देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी, मैं हैरान हूँ तुम्हें क्या कहूँ कि दिन भी हो कैसे। जैकी, जैकी मुझे तुमसे कहना था कि मैं फिर भी ख्वाबों में है, कोई कोई जिंदगी। तुम ही देखो ना। क्या कर रहे हो जैकी, छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा जैकी, छोड़ो मुझे। क्यों, एक पति अपनी पत्नी को हग नहीं कर सकता। छोड़ो मुझे। पति, बकवास कर रहे हो तुम। मुझे तुमसे ये कहना था कि एक राज है। वो राज ये है कि मैं जैकी नहीं हूं वेदिका जी। सही सुना आपने, मैं जैकी नहीं हूं। मैं आपका पति हूं वेदिका जी, आपका साहिल हूं मैं। महके में है के सितम, उजली उजली जाहिर करवाए। आज हम है जहां कितनी रंगीनियां, छलकी छलकी निगाहों में नीली नीली घटाओं से है उनका नाम जानते हैं तुम दोनों? अब उनका नाम है जैकी, जैकी कुमार। झूठ, झूठ कह रहे हो तुम। तुम झूठ कह रहे हो ना? झूठ नहीं बोल रहा वेदिका जी, अब अपने दिल से पूछिए, क्या उसको नहीं लगता कि मैं आपका साहिल हूं? हर वक्त वेदिका जी, जब मैं आपके करीब आता गया, जब भी मैंने आपका हाथ पकड़ा, जब आपकी आंखें मेरी आंखों से मिली, वेदिका जी सच बताइए, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं आपका आपका साहिल हूं? जो मैंने जैकी बनने का नाटक किया वेदिका जी, साहिल की मौत का नाटक मैंने क्यों किया, मैं आपको मेले में क्यों मिला, ये सब मैं आपको उस समय बता नहीं पा रहा था वेदिका जी, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज मैंने हिम्मत जोड़ी है और मैं आपको सच बताना चाहता हूं, वो जैकी वेदिका जी जिसको आप मेरा हम शक्ल मान रही थी, उसे पुनीश तिवारी ने साहिल समझकर मारने की कोशिश की, और मुझे पता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है। उस हादसे से पहले वेदिका जी, जैकी ने मुझसे बात की
उसने मुझसे कहा कि वो अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। उसके घर पे उसकी माँ है, उसकी बहन है, उसका भाई है, और उन सब की जिम्मेदारी जैकी पे है वेदिका जी। और पता नहीं वेदिका जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो कुछ जैकी के साथ हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जैकी बन के वापस आऊंगा, उसकी बहन, उसके भाई और उसकी माँ का सहारा बनूंगा मैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए वेदिका जी, ये मैं ही हूं, आपका सहायक। जानते हो मेरा दिल बार बार कह रहा था कि तुम मेरे साहिल हो, और इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ मेरा साहिल ही दे सकता है। साहिल, सब में तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे कुछ हुआ वेदिका जी, कुछ हुआ मुझे नहीं ना, मैं आपके सामने हूँ क्योंकि आपका अनोखा प्यार मेरे साथ है, मेरा इकलौता सारा। तुम जानते थे जब तुम सब कुछ खत्म हो गया था साहिल, तुमने तो मेरी जान निकाल दी। वेदिका जी, इधर देखिए। इसके बावजूद आपने उम्मीद नहीं छोड़ी। आपको मुझसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता वेदिका जी। जब मैंने आपके प्यार की गहराई देखी तो मेरा प्यार भी गहरा हो गया वेदिका जी, बहुत गहरा। और इसलिए मेरी हर धड़कन में, मेरी हर सांस में सिर्फ और सिर्फ आप ही का नाम है वेदिका जी। जुड़वा भाई है, हाँ मैं ये जानता हूँ। तुम्हें कैसे पता? मुझे उषा जी ने बताया, पर ये बात आप कैसे जानती है? आज मैंने बड़ी अम्मा को माँ से ये कहते हुए सुना। जानते हो, बड़ी अम्मा ने ये राज इतने सालों तक छुपा के रखा था। एक तरफ से सही है वेदिका जी, क्योंकि ये सच हम दोनों जानते हैं, क्योंकि इसके बाद जो भी तूफान आएगा वेदिका जी, मैं उससे डरने नहीं वाला, क्योंकि साहिल को अपनी वेदिका मिल गई है और वेदिका को अपना साहिल मिल गया है। अब ये दोनों मिलकर दुनिया का सामना करेंगे, हर जंग से लड़ेंगे, हर लड़ाई से, हर मुसीबत से, हर कठिनाई से। ये मेरा आपसे बात है। अब जानती है वेदिका जी, दुनिया के लिए ही रांझा लैला मजनू सच्चे प्रेमी है, लेकिन अब से लोग साहिल वेदिका की प्यार की दास्तां सुनेंगे और हम खेलेंगे वेदिका जी इस जमाने के सच्चे आशिक।
द न्यू एज इटर्नल लवर्स। बेटे ने तेरे लिए जान दे दी और तू अपनी इस माशुका के बाहों में झूलेगा, मेरे जज्बातों के साथ खेलेगा, तू मेरे को यड़ा बनाएगा और जैकी को मार के उसके मरने का राज छुपाकर अपने बीवी बच्चों को बचाएगा तू? उषा जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आपको गलतफहमी हुई है। हाँ, साहिल को पूरा यकीन है कि जैकी मरा नहीं है, इसीलिए तो वो जैकी बनकर आपके पास आया ताकि आपको कोई सदमा ना पहुंचे। उषा जी, हम दोनों को कैद करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, छोड़िए हम दोनों को, हम दोनों मिलकर आपके बेटे को वापस लेकर आएंगे, हम पर यकीन कीजिए प्लीज। उषा जी, वेदिका जी सही कह रही है। क्या करो तुम दोनों? और तू हीरोइन है, तू तेरे को सब मालूम था ये लफड़े के बारे में। नहीं, चुप कर। अब देखना तुम दोनों, अब नहीं छोड़ेगी तुम दोनों को, नहीं छोड़ेगी। और पता है, मेरे साथ इसमें कोई और भी है, कोई और भी बदला लेना चाहता है तुम दोनों से। एक ऐसी माँ जिसके बेटे को तुम दोनों ने छीन लिया था, लेकिन अब हम दोनों तुम दोनों को तिल तिल मारेंगे, बात लगा देंगे तुम दोनों की। बहुत घमंड है ना ये अनोखी प्रेम कहानी पे? इसका दी एंड भी ना अनोखा होगा। आजा। Thank you.
वो माँ। और अब मैं वापस आ गई। तुम दोनों से बदला लेने। मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, लेकिन तुमने मुझे दुपकार के अलग कर दिया। और मेरी ये प्यारी बहन वेदिका अग्रवाल, जिसने मेरे साथ सबसे बड़ा धोखा किया, मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन एक बात भूल गए तुम दोनों, जो मैंने पहले भी कही थी कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। आज तक तुम दोनों ने एक बेबस और मासूम भूमि को देखा है, जो तुम्हारे सामने रोई, अपने बच्चे और अपने प्यार के लिए भीख मांगती रही। लेकिन आज के बाद तुम उस भूमि को देखोगे जो रोती नहीं बल्कि रुलाती है, जो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अब हम दो माएं तुम्हारी इस अनोखी लव स्टोरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आज से इंसाफ की जंग शुरू हुई है। तेरे को तो मैं नहीं छोड़ेगी साहिल अग्रवाल। तूने मेरे बेटे को मरवाया है, इसकी सजा मिलेगी तेरे को। तुम दोनों को अगर एक एक सांस के लिए नहीं तड़ पाया ना, तो मेरा नाम भी उषा नहीं। अब मैं बस इन दोनों को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। कुछ करना पड़ेगा, मुझे इतनी मुश्किल से मेरा साहिल वापस मिला है, मैं नहीं खो सकती उसे। भूमि पागलपन बंद करो, वेदिका जी ने तुम्हारे साथ जानबूझ के कोई गलत काम नहीं किया है। और तुम इस औरत का साथ क्यों दे रही हो भूमि? अरे लुटेरी है, ठग है ये, हमारे पूरे परिवार को लूटने आई है ये। एक कुतरिया शान पट्टी नहीं आ, अगर सटक गया ना तो यही ना गेम बजा डालेगी तेरी। मैं ये मुझे भूमि, वो तुम्हारी बहन है, उनके बारे में तो सुन। अब रिश्ता याद आ रहा है, तब बहन की याद नहीं आई जब इन्होंने मेरे पति को मुझसे छीना, तब याद नहीं आई जब मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया। बहुत दर्द दिया है तुमने और इस वेदिका तुमने, और अब मैं तुम दोनों को भूमि, कोई भी ताकत साहिल और वेदिका को कभी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों एक ऐसी ताकत जिसे कोई भी चीज हरा नहीं सकती। और भगवान भी ये बात जानता है भूमि, इसलिए तो मौत के मुंह से मुझे वापस लेके आया है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। ओ शट अप साहिल, कहां गई होगी वो, ज्यादा देर तक बच नहीं सकती वो। मेरे होते हुए साहिल को कुछ नहीं हो सकता।
तेरे को क्या लगता है तू बच जाएगी? साहिल से पहले तू मरेगी। जल्दी चलो साहिल। जल्दी पर, लेकिन अब ये बचेंगे नहीं। साहिल और वेदिका की अनोखी प्रेम कहानी के बहुत गुणगान सुन लिया, आज उनकी इस कहानी का अंत होगा। सॉरी वेदिका जी, आपको ये सब मेरी वजह से। साहिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारी वजह से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ है। तुम तो उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे ना, पर उषा जी जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ पाएंगे। भूमि कितना बदल गई है वो, कितनी नफरत करती है वो हम दोनों से, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर साहिल, तुमने जो किया ना, उसके लिए तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। वेदिका जी, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। साहिल, वेदिका जी, आज की रात गुजरने दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कल से सब कुछ सही हो जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी। क्योंकि आप जानती हैं वेदिका जी, साहिल और वेदिका सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। तो भले भूमि हो, उषा हो, या दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत हो, वो हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। क्योंकि ये जो हमारी कहानी है ना वेदिका जी, वो ऊपर वाले ने लिखी है। मौत भी हमें चिता नहीं कर सकती वेदिका जी।